टिकटॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अवनीत कौर, जिनकी अभी मूवी आ रही है, लेकिन उनको हम साइड में रखेंगे। उनकी अपोजिट में जो लीड रोल में इस फिल्म में हमें जो दिखने वाले हैं ऋत्विक साहोर, उन्हें आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर इंदौरी इश्क देखी है, वैसे भी तो पूरी भारत में सब लोगों ने देख ली, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज है, और फ्लेम देखी होगी, अभी अभी हाल ही में आई थी इश्क एक्सप्रेस, और दंगल जैसी मूवी में जो कि उसमें हीरोइन थी, यानी कि जो मतलब आमिर खान की लड़की थी, उसका चाचा का लड़का था, वो उसका रोल किया था इन्होंने ऋत्विक साहोर ने, और सुपर 30 में भी ये हमें देखने को मिले थे ऋतिक रोशन के साथ। तो दोस्तों इनकी एक्टिंग बाकी ज़्यादा कमाल है, इसलिए ये ज़्यादातर सीरीज में ही बहुत ज़्यादा काम करते हैं, छोटा मोटा रोल फिल्मों में भी इन्होंने कर लिया है। तो सीरीज ही में अभी तक उनकी प्रॉपर एक मूवी आ रही है जिसका नाम है चिड़िया खाना। तो इसका ट्रेलर यूट्यूब पर जी म्यूज़िक कंपनी पर आ गया है, यानी कि यूट्यूब चैनल पर, उसको आप लोग जाकर देख सकते हो। नहीं आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देख सकते हो, अभी हाल ही में आया है। तो दोस्तों इसमें हमें स्टोरी में दिखाया गया है, सूरज नाम का लड़का है, उसकी माँ है जो कि दर बदर यहाँ से वहाँ हर सिटी यहाँ वहाँ भटकता रहता है, क्योंकि उसकी वो बहुत ही सीधा है और फुटबॉल खेलता है, जो कि अपने दोस्तों से भी बातचीत करने में डरता है, इसलिए दोस्त उसे परेशान करते हैं और उसे वो जानवर की टाइप दिखते हैं वो दोस्त, यानी कि स्कूल कॉलेज के लड़के उसको, तो उसे हमेशा डर लगता रहता है, वो लोगों से कम बात करता है, क्योंकि उसको उसकी माँ ने ये नहीं बताया कि उसका बाप कौन है, तो इसीलिए सब लोग पूछते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं वो, इसीलिए वहाँ पर एक साल इसमें पढ़ा एक साल उसमें, ऐसे ऐसे पढ़ता रहता है, लेकिन फुटबॉल हर जगह खेलता है। फिर फाइनली दिखाया गया कॉलेज में, जो कि ग्राउंड की लीज यानी कि ख़त्म हो गई है, उसके लिए वो ग्राउंड अभी मतलब या तो किसी को बेच रही है सरकार, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पर ऐसा है कि कॉलेज वालों को स्कूल वालों को वहाँ पर जो कि है फुटबॉल मैच जीतना पड़ेगा, वहाँ पर एक टीम प्रॉपर हो उस मैच उस ग्राउंड में खेलने वाली, तो इसे अगर वो है तो वहाँ पर आप लोगों को छोड़ देंगे वो। तो इसी के चक्कर में वो लड़का जो सूरज एक गेम खेलने के लिए मान जाता है, फिर वो अपने दोस्त या किसी एक लड़का दिखाई देता है जो उसे फुटबॉल सिखाता है, पूरी टीम को सिखाएगा। फिर यहाँ पर रवि किशन जी की भी एंट्री होती है, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया है, उसके हिसाब से तो ये सूरज का बाप हो सकता है, जो कि भोजपुरिया है, वो इसमें भोजपुरी भाषा भी उन्होंने बोली है, जो कि काफ़ी अच्छा मज़ा आ गया कि हिंदी फिल्म में भोजपुरी सुनने को मिली है। तो इसलिए फिल्म काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं, बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि अवनीत कौर को भी आपने भी देखा होगा, कई गानों में नज़र आती हैं, फिल्मों भी वो कर रही हैं, तो और ऋतिक साहोर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब क्लैपिंग करता हूँ उनके लिए कि बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमें रवि किशन का भी रोल है, काफ़ी ज़्यादा समय ज़्यादा ना दिया गया हो, लेकिन बहुत ही अच्छा रोल किया उन्होंने, लेकिन ऋत्विक साहोर ने जो काम किया है उसके लिए भाई बिल्कुल मैं मतलब शब्द ही नहीं है। बंदे की पर्सनैलिटी देखी आपने इंदौर इश्क में देखी होगी, कितना मतलब सुडौल सही शरीर का अच्छा है वो, लेकिन इसमें एक बच्चे का यानी कि 14 से 15 साल के बच्चे का रोल किया है, जो अमेजिंग उन्होंने वेट गेन किया है, अपने खुद को ऐसा बनाया है, वो एक अच्छी बात है कि मूवी के लिए मेहनत की है बंदे ने, जो उसको दिख रही है, और इसीलिए प्रॉपर ट्रेलर रिव्यू है, बहुत ही कमाल का है, बस इतना ही कहूँगा मैं। और मूवी देखते हैं, 2 जून को आ रही है, और इसी के साथ इसमें गाने भी हो सकते हैं, क्योंकि हीरोइन भी है इसमें, तो बच्चों का प्यार भी दिखेगा, और छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 15-16 साल के, और निब्बा निब्बी वाला प्यार वो थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि अगर 17-18 साल के ऊपर के बच्चे होते तो कुछ लगता अभी, पर फिल्म में चलते चलते वो बड़े हो जाएंगे, और क्योंकि कॉलेज के समय कॉलेज में पहुंचने वाले हैं वो, 12th हो जाएगी 17 साल में, तो इसी के साथ उनका लव स्टोरी भी चालू हो जाएगी, शायद सेकंड पार्ट भी बने इसका, और लेकिन लगता तो नहीं है, मूवी देखकर बताते हैं, 2 जून का वेट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो बस यही कहूँगा कि दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।